हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित, इंडिया बाइनोकुलर शॉप, इंडिया टेलीस्कोप शॉप से आज एक नए वीडियो के साथ आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ नए प्रोडक्ट्स आए हैं। काफ़ी फ्रेंड्स की हमारे पास सजेशन आ रही थी और उनकी डिमांड आ रही थी कि हम कुछ नए प्रोडक्ट्स लेके आएँ, क्योंकि इम्पोर्ट्स थोड़े से अभी रिस्ट्रिक्टिव थे तो अब थोड़ा सा होना शुरू हुआ है, तो हमने कुछ नए प्रोडक्ट्स हमने सोचा इंट्रोड्यूस करें। तो बेसिकली ये जो आज मैं जिस ब्रांड की बात कर रहा हूँ, विजन किंग है, बहुत अच्छी फेमस कंपनी है एशिया की, और यूरोपियन और अमेरिकन कंपनी इसको, बड़ी बड़ी कंपनी इसको प्रोडक्ट्स बना के देती है। तो डायरेक्टली हम लोग इनके टच में आए, हालांकि इनके प्रोडक्ट्स हमने पहले भी यूज़ किए हैं, बेचे हैं, फ्रेंड्स को भी आगे दिए हैं, आर्मी में भी दिए हैं, बाइनोकुलर्स, स्पॉटिंग स्कोप्स और मोनोकुलर्स बेसिकली बनाने के लिए मशहूर हैं, आप इनको गूगल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं नए, जो मैंने सोचा एक ब्रीफ डिस्कशन देता चलूं, जो नए ये प्रोडक्ट्स आए हैं। अगर आपको पसंद आते हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 9899212222। इन आइटम्स पे डिटेल्ड वीडियो, इनके फीचर्स डिटेल में मैं अगली बार बनाऊंगा, लेकिन अभी जस्ट टच करता चलूं। पहले ये बात करें तो मोनोकुलर बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी, इस टाइप का मोनोकुलर एक 16x52 करके बिकता है ऑनलाइन, आपने देखा होगा, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, ये 16x52 नहीं है। जो 16x52 आप अमेज़ॉन या दूसरी साइट्स पे देखते हैं, वो एक्चुअली 8x42 या 8x32 ग्लास होता है। ये एक्चुअली 10-25x42 मल्टी कोटेड लेंसेज में है, बैक फोर प्रिज्म में, वो BK7 में होता है, मल्टी कोटेड लेंसेज है, वाटर प्रूफ और बैक फोर में है, और इसमें बेसिकली 10x25x पावर है, 42mm लेंस का डायमीटर है, तो 10x25x जूम है, प्लस इसका एक बड़ा अच्छा फ्रूटफुल एक इसमें यूटिलिटी है, हैंड ग्रिप आपको दिया हुआ है, तो इस तरह से होल्ड करके आप देख सकते हैं, बहुत ही पोर्टेबल है। बहुत से लोगों की मोनोकुलर की रिक्वायरमेंट रहती है, जो स्पॉटिंग स्कोप या बड़े टेलीस्कोप नहीं कैरी करना चाहते, तो 10x25x में ये आप इसकी प्राइस या इसके फीचर्स आप मेरे से पता कर सकते हैं डिटेल में। 10x50 एक बहुत ही एवरग्रीन हिट बाइनोकुलर है, चाहे वो सेलेस्ट्रॉन का हो, निकॉन का हो, बुशनल का हो, हॉक का हो, या कोई भी फेमस ब्रांड हो, या ओलंपस का हो। 10x50 विजन किंग का एक स्टार्टर लेवल बाइनोकुलर बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, अच्छी एक सॉलिड फर्म ग्रिप है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, लेकिन एक इसको पकड़ के एक अच्छी फील आती है। मैंने इससे व्यू किया था, डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा। ये काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज में है और परफॉर्मेंस वाइज वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा, जो मैंने इससे व्यूज़ देखे 10x50। ये एक कॉम्पैक्ट सा बाइनोकुलर है 10x26 विजन किंग का, बहुत ही हैंडी रूफ प्रिज्म डिज़ाइन है जैसे आप देख रहे हैं, और अच्छी बात यह कि इसके लिए भी कंपनी ने, क्योंकि 10x पावर है, कंपनी ने इसके लिए भी एक सॉकेट बीच में दिया हुआ है, अगर आप ट्राईपॉड पे माउंट करना चाहें। दूसरे फीचर्स बैक फोर है, मल्टी कोटेड लेंसेज हैं, और इसका आई रिलीफ भी अच्छा है, और आप देख रहे हैं जैसे ये रूफ प्रिज्म है तो रोल अप रोल डाउन हो जाता है, जो लोग स्पेक्स वेयर करते हैं उनको आई रिलीफ चाहिए होता है, तो इसमें एक अच्छा आई रिलीफ है, करीब 15mm के करीब इसका आई रिलीफ है, एक अच्छी ग्रिप है और एक सॉलिडिटी आती है इसको पकड़ के। व्यूज़ एज यूजल बहुत शार्प थे 10x26। ये वाला बाइनोकुलर जो है थोड़ा हैवी ड्यूटी, हैवी बिल्ड में है, काफ़ी अच्छा इसकी ग्रिप है। इसमें हमने येलो कलर के कुछ बाइनोकुलर्स बेचे थे, ये सेम उसी डिज़ाइन पे है, 8x पावर है और 42mm लेंस साइज है। जो पहले हमने येलो में बेचा था वो 7x35 था, ये 8x42 है और फुली मल्टी कोटेड में है। BK7 प्रिज्म्स हैं, लेकिन अच्छी स्मूथ फोकसिंग है, और इसमें भी आई रिलीफ बहुत अच्छा है जैसे आप देख रहे हैं, मल्टी कोटेड लेंसेज हैं, और एक अच्छी सॉलिड हैवी फील है, और व्यूज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर और शार्प है, हालांकि BK7 प्रिज्म्स हैं इसमें। तो अगर आपको लेना हो इनमें से कोई भी चीज़, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब ये इस बाइनोकुलर की बात करें, इस बाइनोकुलर को देख के मुझे लाइका की याद आ जाती है, लाइका का जो टॉप नॉच बाइनोकुलर है वो लगभग इसी टाइप में आता है, इसी डिज़ाइन में, 8x42 या 8.5x42। ये जो कंपनी ने डिज़ाइन निकाला है विजन किंग ने, ये 8.5x32 में है और मल्टी कोटेड है, आई कैप्स इसके साथ ही लगे हुए हैं तो खोने का डर नहीं है,
और ये रूफ प्रिज्म डिज़ाइन में है और इसका भी आई रिलीफ अच्छा है, वाटरप्रूफ में है ये, बैक प्रूफ प्रिज्म है, मल्टी कोटेड लेंसेज है और काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बहुत अच्छी ग्रिप है, आप देख रहे हैं सेंटर में ये वो नहीं है, बहुत ही अच्छी है, मतलब आपकी फिंगर्स बिल्कुल यहाँ पर अच्छी ग्रिप बन जाती है। मल्टी कोटेड, वाटरप्रूफ, बैक फोर प्रिज्म, रूफ प्रिज्म में 8.5 बाई 32। अगर आपको पसंद है आप मेरे से इंक्वायरी कर सकते हैं, कुछ डिटेल में फीचर्स पूछना चाहें। मैंने इन सबसे व्यू किया था और काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी मुझे विजन किंग की पर्सनली। ये वाला बायनोकुलर जो है ये रूफ प्रिज्म में है, इस पर भी आप देख रहे हैं जैसे जो डेस्क कैप्स हैं वो साथ में लगी आती हैं। यहाँ पे भी आपका ट्राइपॉड माउंट हो सकता है, 10x पावर में है, 42mm लेंस का साइज़ है। अगर आप जूम करें तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें, इसका फोकसिंग भी बहुत अच्छा है। ये वाटरप्रूफ डिज़ाइन में है, बैक फोर प्रिज्म है, वाटरप्रूफ में है, अच्छी बात यह है। और एक बजट रेंज में बायनॉक्लर है, अमूमन आपने देखा है जो बड़े ब्रांड्स हैं सेलेस्टॉन, हॉक या निकॉन या बुशनर, उनके वाटरप्रूफ, बैक फोर और रूफ प्रिज्म और मल्टी कोटेड लेंसेज में बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, लेकिन विजन किंग के ये टक्कर के बायनॉक्लर्स हैं। मैंने एक कंपैरिजन तो नहीं किया है निकॉन के साथ, लेकिन मुझे इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी और वैल्यू फॉर मनी लगी। अच्छा आई रिलीफ है, कंपनी 18 मिलीमीटर क्लेम करती है आई रिलीफ, तो जो स्पेक्स वेयरर्स हैं वो अच्छा आई रिलीफ चाहते हैं, मिनिमम 15 मिलीमीटर, तो अगर इसको 15 या 16 भी मान के चलें, हालांकि कंपनी के कैटलॉग में 18 लिखा है, लेकिन एटलीस्ट 15-16 तो इसका आई रिलीफ है। एक अच्छी फर्म ग्रिप है, एक प्रीमियम ब्रांड इसको पकड़ के फील आती है, काफ़ी स्मूथ बना हुआ है, तो अगर आपको लेना हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास आप देख रहे हैं मल्टी कोटेड लेंसेस बैक फोर प्रिज्म में, फुल मेटल बॉडी में, और ये लेदराइट इसका यहाँ पे कवर है। एक ये मोनोकुलर है, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी अगर आप लोगों ने देखी हो तो ये ऐसे पूरा खुल जाता है, और इसका फोकसिंग का जो डिज़ाइन है वो इसी तरह से है, आपको जितनी भी दूर का डिस्टेंस देखना है, बहुत दूर का नॉर्मली शिप्स पे ये यूज़ होते थे, लेकिन आजकल एक फैशन है, बहुत से लोगों को ये डिज़ाइन अपील करता है, तो आपको जो फोकस है वो इसी तरह से यहाँ रख के और आपको उस हिसाब से खोलना पड़ेगा कि कितना खोलना है आपने। बहुत ही स्मूथ है, एक अच्छे लेदराइट केस में आता है और बहुत ही अच्छी फिनिश का है। आप देख रहे हैं 60mm का लेंस है, बैक फोर प्रिज्म है और मल्टी कोटेड लेंसेज हैं, तो अगर ये आपको पसंद आए, ये पूरा इतना खुल जाता है और इसको पूरा फोल्ड करें तो ये देखिए इतना छोटा सा रह जाता है, इतना हार्डली रफली मेरे ख्याल से 6 इंच होगा, तो ये इसकी लंबाई है। अच्छा सॉलिड हैवी मेटल में है ये, इतना भारी नहीं है लेकिन है ये मेटल में, तो अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें, इस मोनोकुलर में, तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं इसको आपको इसके फीचर्स और दूसरी चीज़ें बताऊंगा। लास्ट में आप ये देख रहे हैं ये जो स्पॉटिंग स्कोप लगा हुआ है, इसकी बहुत डिमांड रहती थी, ये हमने पहले भी बेचा हुआ है, ट्राइपॉड के साथ आता है, सेलेस्ट्रॉन का एक मॉडल आता है C70 वाटरप्रूफ बैक फोर में और 25 से 75x पावर और 70mm डिज़ाइन में, मक्सूटॉप डिज़ाइन में। नॉर्मली ये स्पॉटिंग स्कोप्स रिफ्रैक्टर में आते हैं, कुछ मक्सूटॉप में भी आते हैं, काफ़ी शार्प इमेज देता है, वाटरप्रूफ में है, बैक फोर प्रिज्म है, मल्टी कोटेड लेंसेज हैं, कैरी केस के साथ आता है, टेबल टॉप स्टैंड के साथ आता है ये वाला, और ये देखिए आप अच्छे, काफ़ी अच्छा लेंस है इसका, छोटा सा है इतना सा, और ये यहाँ से फोकसिंग होती है, ये इसका पैन हैंडल है और ये इसका आईपीस है, यहाँ से ये जूम होता है और 25 से 75x तक इसका जूम है, तो अच्छा बना हुआ ये स्पॉटिंग स्कोप है, 25 से 75x पावर और 70mm लेंस का साइज़, वाटरप्रूफ, बैक फोर, मल्टी कोटेड लेंसेज बैक के साथ। तो अगर ये चीज़ें आपको पसंद आई हैं, कुछ और भी इसी तरह के प्रोडक्ट्स हम कोशिश कर रहे हैं बाहर से इंपोर्ट करने के लिए, बहुत से फ्रेंड्स की अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो टेलीस्कोप हो, बायनोकुलर्स हो, प्लोसल आईपीसीस हो, वाइड एंगल आईपीसीस हो, 2x पार्लोज हो, सेलेस्ट्रॉन की आईपीएस किट हो या दूसरी आईपीएस किट हो, या फिल्टर्स हो, या टीयरिंग अडैप्टर्स हो, कैमरा एसेसरीज हो, तो इस तरह के बहुत सी एसेसरीज हैं
टेलीस्कोप्स हैं, बायनॉक्युलर्स हैं, स्पॉटिंग स्कोप्स हैं, हमारी हमेशा एक इच्छा रहती है कि हम नई नई चीज़ें, नए नए प्रोडक्ट्स आपके साथ लेके आएँ ताकि लोगों को नई नई चीज़ें मिलें, इम्प्रूव चीज़ें मिलें और कॉस्ट इफेक्टिव हो और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हो। तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन पर मैं डिटेल्ड रिव्यू या कंपेरिजन बाद में बनाऊँगा। मैं अब आगे चाहूँगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9899212222 और 9560687095। मैं मोहित अब साइन अप करता हूँ। थैंक यू।